प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखता हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, परमेश्वर की स्तुति और आराधना निरंतर अपने जीवनों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम पिछले कई हफ्तों से जवानों की सलाह सीरीज पर काम कर रहे हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा उसमें से हम सीख रहे हैं, और आज उसी सीरीज का चौथा एपिसोड हम आपके सन्मुख लेके आए हैं। आइए परमेश्वर का वचन जवानों को आज के दिन में क्या सलाह देता है हम देखते हैं। अगर आप मेरे साथ में सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और जिस पर हमारी पूरी सीरीज जो है वो आधारित है, वहाँ पर हेडिंग दी हुई है जवानों को सलाह। उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। 12वां अध्याय और उसकी 1वीं आयत, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रियो, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों को करना चाहते हैं, हम में बहुत सारा जुनून होता है, बहुत सारा जोश होता है, और किसी की सुनना हमें पसंद बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे में बाइबल आज हमें इस बात के लिए चेतावनी दे रही है कि बाइबल हमें बता रही है कि हे जवान अपनी जवानी के दिनों में मगन रह और आनंद कर। हर तरीके का आनंद जो आप इस जवानी अवस्था में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और यहाँ पे वचन कह रहा है अपनी दृष्टि के अनुसार चल, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा ही आप चलिए, जैसा आपका मन करता है वैसा ही आप करिए, आपको जो इच्छा होती करने की आप उन सब बातों को करिए। पर इसके अंतिम भाग में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जो भी काम हम जवानी में कर रहे हैं, जो भी बातें हम कर रहे हैं, उस सब के विषय परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि इन सब का न्याय परमेश्वर करेगा। चाहे हम अभी अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे हों, चाहे हम अपनी मनमानी कर रहे हों, अपनी आँखों की इच्छा के अनुसार दृष्टि किए हुए हम चल रहे हों, बट इन सब का जो हिसाब है वो परमेश्वर आपसे और मुझसे लेगा। और वहीं पर अगर आप सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसकी 1वीं आयत को देखेंगे तो वहाँ लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए वे वर्षाएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे साफ तौर से प्रेरित कर रहा है और बताता है कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सीधा सीधा कहना ये बनता है प्रियो कि जवानी के दिनों में हमें अपने यहोवा परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह पर भरोसा रखना है और उसको स्मरण करना है। अगर वहीं आप मेरे साथ में विलाप गीत और उसका 3रा अध्याय और उसकी 27वीं आयत को निकालेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पुरुषों के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। जवानी में जवानों को जुआ उठाना भला है। जितना परिश्रम हम परमेश्वर में जवानी की अवस्था में कर सकते हैं वो शायद हम अधेड़ उम्र में और बुढ़ापे के समय में नहीं कर सकते। हो सकता है आप में से और कई जवान ऐसे हों जो इस बात को सोचते हों कि एक समय के बाद में हम परमेश्वर की स्तुति कर लेंगे, रिटायरमेंट के बाद में हम परमेश्वर की तो सेवा करना है। बहुत समय रहेगा, हम रोज़ बाइबल पढ़ेंगे, रोज़ दुआ करेंगे, रोज़ उसकी बंदगी करेंगे। पर मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर का वचन चेताता है कि हमें ज़रूरी है कि हम अपनी जवानी में जुआ उठाएँ, और जवानी अवस्था में रहते हुए हम परमेश्वर को स्मरण करें, क्योंकि जो ऊर्जा जवान के पास जवानी में होती है वो अधेड़ उम्र में और बुढ़ापे में नहीं रह सकती। तो अभी
जितना कार्य हम परमेश्वर के लिए जवानी में रहते हुए कर सकते हैं वो शायद अधेड़ उम्र में और हमारे रिटायर के बाद में नहीं कर सकते। सो मैं आपको बस आज इनकरेज करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें सलाह देता है हमें उसे मानना भी जरूरी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी के दिनों में हम अपनी मनमानी कर सकते हैं, अपनी आंखों के अनुसार देख के चल सकते हैं, पर इन सब का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। वही वचन हमें बताता है कि जवानी के दिनों में हमें अपने सृजनहार अर्थात यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना है। और उसको स्मरण रखने से क्या होगा, जब हम अपने परमेश्वर को अपने सामने रखेंगे तो हम हर एक काम को अच्छे से कर पाएंगे, पापों से दूर रह सकेंगे, बुरी बातों से दूर रह सकेंगे, बुरी संगतियों से दूर रह सकेंगे, और परमेश्वर के साथ रहते हुए हम अपनी जवानी का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। सो जिस तरीके से विलाप गीत 3:27 कहता है कि जवान को जरूरी है कि वो जवानी में जुआ उठाए, सो यही समय है जब आप और मैं अभी जवानी अवस्था में है तो हम अपने परमेश्वर के लिए जुआ उठाएं, परमेश्वर का अनुसरण करें, उसकी बातों को माने, और जिस प्रकार से हम वचनों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और उसके वचनों को सीख रहे हैं उन बातों को बस हम मानना शुरू करें। हम सुनने वाले ना बने पर हम वचन पर चलने वाले बने। कई घिनौने पाप, कई गलत काम, कई अनुचित काम जो आपको और मुझे परमेश्वर से दूर रखते हैं हम जवानी ही अवस्था में करते हैं। कई गुप्त पाप हम जवानी अवस्था में करते हैं, पर आपको पता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके गुप्त के कामों को जानता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। वहीं पर आप अगर सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। जवान अधिकतर जवानी में ही गलत काम कर देते हैं और परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझे ये कह रहा है कि जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हर एक काम जो आपने और मैंने गुप्त में किए हैं, चाहे वो भले हों या बुरे हों, परमेश्वर उनका न्याय जरूर से करेगा। मैं आशा रखता हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और जरूर से आप इनको सुनकर इनकरेज होंगे, मोटिवेट होंगे, और ना केवल ये वचन आप अपने तक सीमित रखेंगे पर ये और जवानों के साथ भी आप बांटेंगे। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दें।